हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर। कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है सुजुकी मोटर्स गुजरात की तरफ से। जितने भी कैंडिडेट सुजुकी मोटर्स गुजरात में जॉब करने के इच्छुक हैं तो वो वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सुजुकी मोटर्स गुजरात का कैंपस कहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो कंटिन्यू सुजुकी मोटर्स गुजरात अपने कैंपस लगा रही है। एक सुजुकी मोटर्स गुजरात के कैंपस की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वीडियो को पूरा देखेंगे। सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रेड, एज और कैंपस लोकेशन सब कुछ बताने वाला हूं। कब कैंपस कहां पे लग रहा है तो ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना है। सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है प्री कैंपस। इसका मतलब है कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है कैंपस में जाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। ये कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके आगे देख लेते हैं, इसमें लिखा है झारखंड राज्य के आईटीआई, एनसीपीटी, एससीपीटी पास छात्र इस कैंपस में भाग ले सकते हैं। बताया गया है कि एनसीपीटी से आपने आईटीआई कर रखा हो या एससीपीटी से आप इसमें भाग ले सकते हैं। कैंपस सिलेक्शन की बात करें तो सुजुकी मोटर्स गुजरात द्वारा यह कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है और आईटीआई पास के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद में अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि आपके हाई स्कूल में 50% नंबर होने चाहिए और आपका हाई स्कूल रेगुलर होना चाहिए। आपका हाई स्कूल रेगुलर हो, 50% नंबर के साथ आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसके बाद में आईटीआई में आपके 60% नंबर होने चाहिए। ज़्यादा नंबर होंगे तो चल जाएगा, कम नंबर होंगे तो नहीं चलेगा। इसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 ईयर तक एज लिमिट मांगा गया है। जितने भी कैंडिडेट का 18 एज कंप्लीट हो चुका है और 23 से कम है वो कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं। पास आउट ईयर की बात करें तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में जितने भी कैंडिडेट पास आउट हुए हैं वो सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, वो जा सकते हैं सुजुकी मोटर्स गुजरात में जॉब कर सकते हैं। और यह कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ये है, बिल्कुल इसमें मेल ही कैंडिडेट जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कैंपस प्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है और फीमेल कैंडिडेट इस कैंपस में नहीं जाएंगी। इसके बाद में बात करें एलिजिबल ट्रेड की तो यहाँ पे बता रखा है एलिजिबल ट्रेड जिसमें फिटर, टर्नर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल डाई मेकर, पीपीओ, मैकेनिस्ट, ट्रैक्टर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, जर्नल, ऑटोमोबाइल, सीओई, इन ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आप सुजुकी मोटर्स गुजरात का कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,100 रुपये आपका सीटीसी सैलरी रहने वाला है। इसके आगे बात करें कैंपस प्लेसमेंट कहाँ किया जा रहा है और किस डेट को किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। बताया गया है रिटेन और इंटरव्यू आपका कैंपस में ही होगा। 11/10/2021 11 अक्टूबर 2021 को कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है। आपको 9 से 10 बजे के बीच में आपको पहुंच जाना है। कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है, कैंपस का जो एड्रेस है वो है बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस सिंदरी धनबाद। धनबाद में ये कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है। धनबाद झारखंड में पड़ता है तो जितने भी कैंडिडेट झारखंड के हैं, धनबाद के आसपास के हैं तो वो सभी कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। जितने भी कैंडिडेट पहुंच सकते हैं वो इसमें पहुंचेंगे। बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस सिंदरी धनबाद में इसका कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है। तो सभी कैंडिडेट जाएंगे जिनका भी सपना है सुजुकी मोटर्स गुजरात में जॉब करने का, तो उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित होगा। इसके बाद में बताएं कि आपको क्या लेकर जाना है कैंपस में तो यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र अवश्य लाएँ, जैसे कि बायोडाटा प्रमाण जो भी है आपका वो लेके जाना है, आधार कार्ड फ़ोटो, मैट्रिक एवं आईटीआई पास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है,
आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले जाना है, फोटोकॉपी भी ले जानी है, मार्कशीट हाई स्कूल की ओरिजिनल भी ले जानी है और फोटोकॉपी भी ले जानी है। इसमें ITI की मार्कशीट ओरिजिनल भी ले जानी है और फोटोकॉपी भी ले जानी है। कई लोग जो फेक मार्कशीट बनवा के पहुँच जाते हैं, तो अगर उन्हें कोई भी डाउट होता है तो वो तुरंत ही आपका ओरिजिनल मार्कशीट मांगेंगे और आपको दिखाना होगा। कम से कम 6 से 7 फ़ोटो आपको ले जानी है और कम से कम 3 से 4 एक जो डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी करा के ले जानी है। इसके बाद में बात करें आगे डिटेल की, तो इसमें बताया गया है कि अगर आपको कैंपस का लोकेशन नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे ये कैंपस लग रहा है, और कोई जानकारी अगर चाहिए कंपनी के बारे में, तो नीचे दिए गए 4 कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनमें 1 या 2 नंबर जिस कॉलेज में, जैसे कि बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रबंधक और प्रिंसिपल के नंबर होंगे, जो उधर के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनके नंबर होते हैं, और 1 से 2 नंबर यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से कैंपस लगाने आते हैं तो उन लोगों के नंबर होते हैं। तो इन 4 नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सुजुकी मोटर्स गुजरात में छुट्टी कितने मिलती हैं, एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलती हैं नहीं मिलती हैं, घर आने के लिए छुट्टी मिलती हैं नहीं मिलती हैं, तो A to Z जानकारी उन्हें कल मिलने वाली है। कल छुट्टी पर वीडियो आने वाला है, तो जितने लोग छुट्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इसका वेट करेंगे, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे इस कैंपस की इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।